छतरपुर से खबर सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। शहर के किशोर सागर तालाब पर स्थित ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित रखा गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन एवं राजनीतिक संगठन मौजूद रहे। महिला बाल विकास के द्वारा रखे गए इस आयोजन में बताया गया कि जिन भी बेटियों ने अच्छे काम किए हैं एवं सफलता प्राप्त करी है, उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ललिता यादव, विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह, कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, एसपी सचिन शर्मा, एसडीएम प्रियांशी भवर मौजूद रहीं। इस अवसर पर पंख योजना का भी शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत जिन भी बच्चियों की पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें न्याय दिलाना एवं बच्चियों की सुरक्षा करना है। दीवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पर अर्थी को कंधा दे के अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। वीर कार्यक्रम को लेकर वो बेटियों के लिए आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस मौके पर सभी मातृशक्ति को, अपनी बेटियों को मेरी ओर से बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज जैसा कि पंख योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमारी सरकार ने बेटियों को मजबूत करने के लिए, महिलाओं को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। लाडली लक्ष्मी जैसी योजना, मातृवंदना योजना, और बेटियों को पुलिस में 30% का आरक्षण, 50% आरक्षण नगरीय निकायों में और जनपद। आज राष्ट्रीय बेटी बचाओ जो दिवस है, उसके अवसर पर मेरा सभी माताओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य जो शासन का है, यह है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में अभी भी बेटियां पुरुषों की तुलना में कम हैं। कई ऐसे समाज मैंने देखे हैं जहां जिनको अब शादी के लिए बेटियां नहीं मिलती हैं तो परेशान घूमते रहते हैं। ये एक अलार्मिंग साइन है और ये एक खतरे की घंटी है। अभी अब हम सबको जागना होगा कि हम लोग जो बेटियाँ हैं उनको इस संसार में आने से पहले ही मार देते हैं, जो सोनोग्राफी करा के, सेक्स डिटरमिनेशन करके, इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा। और जो हमारी जो माँ है, जब वो घर में रहती है तो उसको सबसे लास्ट में खाना दिया जाता है, जो बचा खुचा खाना रहता है कई बार उसको वो खाना पड़ता है। इस तरह की अगर आप धारणाएं रखेंगे तो निश्चित तौर पर ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा जो समस्या होती है, जब बच्चियाँ होती हैं तो आज पूरे देश में बालिका मनाया जा रहा है, और निश्चित रूप से ये बेटियों के लिए जो सुरक्षा देने की बात है, जो केंद्र सरकार भी कह रही है, राज्य सरकार तो बेटियों के लिए, उन्होंने सारी सरकार को एक तरफ कर दिया, पूरी सरकार पूरी ताकत के साथ बेटियों के लिए लगी हुई है। और जितनी भी योजनाएं चल रही हैं पूरे विभागों की, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा यदि कोई योजना चल रही तो बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए योजना चल रही है। और आज के समाज में हम चाहते हैं जिस प्रकार बेटियों पर जो अत्याचार होते हैं, उसके लिए भी कई प्रकार के जो योजनाएं हैं सरकार ने निकाली हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं किस प्रकार की योजनाएं हम बना के हम बच्चियों के लिए जो मुस्कान अभियान विशेष तौर पर चल रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य जागरूकता से सुरक्षा का है। इसमें यही है कि जितना वो जागरूक होते हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपने बॉडी को लेकर, उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को, जिन भी लोगों की उन पर बुरी नज़र रहती है, उनसे वो अपने आप को बचा पाएंगे।